सुप्रभात प्यारे बच्चों, कक्षा जो है कक्षा नौ नौवीं विषय हिंदी, उपविषय काव्य, शीर्षक पुनर्मिलन, रचयिता जयशंकर प्रसाद, भाग तीन। देखिए, यह निर्वेद सर्ग है और यह निर्वेद सर्ग जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, यह कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। देखिए प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के निर्वेद सर्ग से अवतरित है, जो है यह कामायनी से संकलित है। कामायनी से संकलित है, जो है नौ कोमल अवलंब साथ में। प्यारे बच्चों, आपको यह जो है काव्यगत शैली में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नौ कोमल अवलंब साथ में बय किशोर उंगली पकड़े चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। देखिए, यह वो अपनी माता के साथ आ रहा था। ऐसे ही आइए हम जो है आपको चार छंद पढ़ा चुके हैं। पांचवा है इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियाँ को देख उसने पहुँची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ, बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गाँठ निज खोलो तो, व्यथा गाँठ निज खोलो तो। देखिए, इड़ा जो है द्रवित हो गई और द्रवित होकर वह करी है कि ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने। जो है ईड़ा द्रवित हो जाती है, कहती क्या है कि ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने। ईड़ा जो है दुख से द्रवित हो गई और द्रवित होकर जो है वह उन दुखियों को देखा, उन दुखियों को जो है देखा, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। ईड़ा द्रवित हुई और उन दुखियों को अपने युगल नेत्रों से देखा,
फिर पास पहुंची और उन दोनों से पूछा कि तुम्हें भुलाया किसने है, तुम्हें भुलाया किसने है। फिर जो है इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो। करे कि इस रात्रि को ऐसा, इस रात्रि को तुम कहाँ जाओगी कुछ बोलो। ऐसा वह करा इस रजनी में, इस रात्रि में तुम कहाँ भटकते हुए जाओगी कुछ बोलो, बताओ कुछ। खोजर बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। और करे कि बैठो आज मैं अधिक चंचल हो गई हूँ, बैठो आज मुझ में अधिक चंचलता का आविर्भाव हुआ है, आज थोड़ा बैठो और अपनी जो है मन में छिपा हुआ कष्ट हमें बताओ, मन में छिपा हुआ दुख जो है हमें बताओ। देखिए प्यारे बच्चों, कहती क्या है कि ईड़ा जो है सुधा को देखकर द्रवित हो जाती है, उसके दुख से दुखी हो जाती है और उन दोनों दुखियों को देखती है। ईड़ा हृदय से द्रवित हो जाती है और उन दुखियों को देखती है और उनके पास पहुंचकर उनसे पूछती है कि तुमको किसने भुलाया है, किसने तुम्हें भुला दिया है, बिसरा दिया है, अपने नेत्रों से उझल कर दिया है। और कहती है कि इस रात्रि में भटकती हुई तुम कहाँ जाओगी, तुम कुछ बोलो तो, कुछ बताओ तो, कुछ बताओ। आज बैठो, बैठो आज यहाँ, आज मैं अधिक चंचल हूँ, आज मैं अधिक, हमारे में चपलता आ गई है, यहाँ बैठो और अपनी दुख को जो है मन में छिपे हुए कष्ट व दुख को हमसे बताओ। फिर कहती है प्यारे बच्चों, फिर क्या कहती हैं कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। जीवन है तो कभी मिलन है, जीवन है तो कभी मिलन है, अकट जाती दुख की रातें, कट जाती हैं दुख की रातें, श्रद्धारु की कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यही, मिलता है विश्राम यही। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही, वही शिखा प्रज्वलित रही। देखिए करी है कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए लोग भी मिल जाते हैं। जब इस पूरे जीवन की लंबी यात्रा में खोए जो होते हैं, जो भूल गए होते हैं, वो भी मिल जाते हैं। और जीवन है तो कभी मिलन होगा, जीवन है तो मिलन भी है। कट जाती दुख की रातें, और इस जीवन में दुख की रातें भी क्या होती हैं, कट जाती हैं। श्रद्धारु की कुमार श्रांत था, मिलता है कुछ विश्राम वही। और श्रद्धा वहीं रुक गई और कुमार जो है उसका पुत्र जो है वह शांत हो गया था और वहीं कुछ उसे विश्राम मिला, आराम करने को मिला। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर
वही शिखा प्रज्वलित रही और वह इड़ा के साथ जो है वहाँ पर चली कि आग के लपटें तीव्रता से जल रही थी। उस आग की लपटें जो हैं तीव्रता से जल रही थी, वह जो है करी है कि इस जीवन की लंबी यात्रा में खोए लोग भी मिल जाते हैं। अरे बच्चों, कहना कह जाते हैं कि जीवन की इस लंबी यात्रा में जो है खोए लोग भी मिल जाते हैं, और जीवन है तो मिलन भी है। जीवन है तो कभी मिलन होगा, और इस जीवन में कष्ट दुख जो है वह कट जाते हैं। और श्रद्धालु की उसका पुत्र जो है शांत था, वहीं उसे कुछ देर के लिए विश्राम मिला, आराम की हुए, और जो है वह इड़ा के साथ चली जहाँ पर आग की लपटे तीव्रता पूर्वक प्रज्वलित हो रही थी, जल रही थी, जो है तीव्रता से जल रही थी। आग की लपट जो है तीव्रता से जल रही थी। यारे बच्चों, आपने जो यह कामायनी का जो है निर्वेद सर की दो छंद को हमने पढ़ा और आपको इसकी व्याख्या बताई जो है, धन्यवाद। आज इतना ही।